अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान और पूरे सदन का ध्यान एक बहुत मार्मिक विषय पर उठाना चाहता हूं। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 30.5 लाख लोगों को भारत के अंदर कुत्तों ने काटा है और उसमें 286 लोगों की मृत्यु हुई है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कोई अपने आप नहीं समझे। अगर ये आंकड़ा ठीक है तो अकेले मेरे गाजियाबाद के अंदर एक साल में 35,000 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे इसके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, परसों के अखबार में भी जागरण अखबार में एक फोटो के साथ छपी है खबर कि एक बच्चे का कान पूरा का पूरा कुत्ता काट करके ले गया। 4 दिन पहले एक छोटा बच्चा जो मजदूर का बच्चा था, उसे रैबिज के कारण एक दर्दनाक मौत हुई। रैबिज के, अरे आप ही के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज बोलिए। अगर प्राइवेट पालतू कुत्ता हो तो वो अगर किसी को काट ले तो कोई जिम्मेदार होता है। अगर कोई प्राइवेट कुत्ता हो वो गंदगी करते तो कोई जिम्मेदार होता है, पर कोई आवारा कुत्ता हो तो कोई कुत्ता प्रेमी उस जिसके काटने वाले के सामने नहीं आता, उसे बचाने के लिए नहीं आता। कोई कुत्ता प्रेमी आपसे मेरा ये निवेदन है कि पहले भी संसद के अंदर और लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे निर्णयों का पुनर्विचार हुआ है। ऐसे नियम बनाए गए हैं कि यदि उसकी नसबंदी करा दी जाए कुत्ते की तो उसको वापस नहीं छोड़ना पड़ता है। मेरे बच्चे खेल नहीं सकते हैं, लोग घूमने, अरे आप ही के लिए कह रहा हूँ, आप ही सुन लीजिए। प्लीज माने सर, प्लीज आप इधर बोलिए, इधर आए। बच्चे खेल नहीं सकते हैं, एक आतंक का वातावरण पूरे शहर के अंदर बना हुआ है, जो और भी जगह बना हुआ होगा। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि इस पर दोबारा से कमेटी बनाकर के विचार हो। जो ये जो कहते हैं कि एबीसी कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये लगातार कुत्ते काटने की और मरने वालों की संख्या बढ़ क्यों रही है? ये इन नियमों में पशु प्रेमी और मानव की स्वतंत्रता के बीच में कहीं ना कहीं कोई असंतुलन है। ये कोई भी सरकार हो, कोई भी कोर्ट हो, हमेशा मानवता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। श्री राजकुमार रो, आपसे